बुधनी मंझान ना वैसे तो जमीन बहुत सारे लोग के गल है लेकिन बुधनी मंझान के बहुत ज्यादा गल है। गूगल करिया, गूगल में ओकर फोटो आतो, एक सांवली सी लड़की मोटा मोटी 20-22 साल के फोटो के अनुसार फोटवा हल छपल है द हिंदू नाम के पेपर में, जैसे हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, जैसे द हिंदू एगो पेपर रहल है ओकर में फोटवा ओकर छपल है। द हिंदू नाम के पेपर में बुधनी मंझान के फोटो छपल है, अगर बगल में बताओ बुधनी मंझान एगो साधारण महिला, एगो साधारण जैसे हमने बैसल है, एगो गांव देहात के गरीब महिला ककर संग है बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहला प्रधानमंत्री। यानी जब है चाहे पंडित नेहरू रो चाहे 108 श्री नरेंद्र मोदी रो, जब अपने के झारखंड के लोग से काम लिए रहा तो पहला है फुसलाई के ले लो प्रधानमंत्री, बल्कि वो पीछू प्रधानमंत्री पीछू है फटवा में और बुधनी मंझान उद्घाटन कर रहा है पंचायत कैंप के, कहे नौकर जमीन सबसे ज्यादा गेल है और भला ले फुसला ले किया ना तोरा फीता कटेबो, आज हमने से फीता कटाई के माचैन में जमीन ले लो तो हमने से फीता कटाई के पंचायत के डैम में जमीन ले लो, हमने से फीता कटाई के सिंदरी के कारखाना में जमीन ले लो और जब नौकरी दिया के बात लो यूपी के बिहार के बंगाल के इनके बोझ दे लो, ये अन्याय भले कि ना भले अन्याय भले तो है अन्याय के बदला लिया खाते 2024 में वोट करे एक एक अन्याय के हिसाब से खाते 2024 में वोट करे को वोट माने पूजा ये माय मोसी गिला एक नहीं बुझो मतलब एक नहीं के जाना एक नहीं मोबाइल हाओ एक नहीं टीवी हाओ एक नहीं इंग्लिश हाओ बेरा टुबल पाते इंग्लिश हाओ एक नहीं तो बुझो तो नहीं वोट के माने बुझा वोट पूजा है ना एक समय हथियार हलय लोग ककरो बंदूक से मार हलय ककरो तीर से मार हलय ककरो तलवार से मार हलय, अभी आज के युग में सबसे बड़ा अगर तो हथियार हो तो वोट हो, तो जितना बेहतर तरीके से वोट दिए पारबे जितना बेहतर लीडर के वोट में जितने पारबे उतना तो बेहतर काम में तो सबसे बड़ा तो वोट के ताकत हो। आज अभी नूनी सब में हमने कभी लाल तिलक लगा ले फोटो खींचला तो हमने बड़ी सुंदर देखे भाई, लेकिन एक घंटा खातिर दो घंटा खातिर, लेकिन फोटवा जो ब्लू रंग के स्याही हाथ में दे के दहा और में तो आने वाला भविष्य सुंदर देखे तो सही खातिर आज तो होनी के भी महिला शक्ति के भी अभी दीदी भी समझा लो अगर तेरे महिला के भी हमने बोले दे लिए कि के बोले दे कहे कि तोहनी के भी वोट के मतलब समझे तो आज तोनी गांव तोनी खारे चार दीवारी में रह गए सही खातिर अपनी मनमानी कर लो कि नहीं तोनी चार दीवारी में बंधाई के रह गए सही खातिर अपनी मनमानी कर लो पी लो खाई लो मुर्गा दारू और वोट दे दे लो जकरा मन तकरा बेकार नेता के जिताए दे लो आज जब मांगे गए नौकरी कल हमको तो तुम पैसा दे के वोट दिया तो सही खातिर आप तोहनी के भी अपन वोट के मतलब समझे तो और चूंकि हम आगो बात करवाए लेकिन है बीच में करम परब भी आयल है और हमें दीदी सबके संख्या ज्यादा है नूनी सबके संख्या ज्यादा है तो थोड़ा सा हमें यह बात कहना चाहबो कि झारखंड अलग राज्य यह खतरो हमने लड़िए कि हमने भाषा संस्कृति परंपरा अलग हलय हमने खान पान अलग हलय हमने रहन सहन अलग हलय हमने खान लगलय खपड़ी रोटी मड़वा रोटी अभी इडली ढोसा चबाए रहल खपड़ी रोटी जाना के भूल गया तो हमने यह खाते झारखंड ले लिया कि हमने परंपरा भिन्नू है हमने गीत गान नाच हमने नाचे तरीका भी भिन्नू है हमने नाच की लग लाए नटवा नाचा दिन बाप दस देख लिया ना नटवा नाचे तो बुढ़ाई लाए देखा ला हमने नाच लग ले नटवा नाच दीदी की लग नाच लग ले करम नाच देखा सभी नागिन डांस नाचा तेरे को उल्टी उल्टी सही खाते बेकार भाई गलो ना। अच्छा कितना कर्मती है इस भीड़ में इसको लिया गया कभी कर्म पर नहीं करिया की तो नहीं पहले करा ला। अच्छा कर्म पर कह कर से जानकारी है या फिर
क्योंकि झारखंड में जितना भी नियम कानून पर्व त्योहार ओकर कोई ना कोई मतलब हो, हमने बिना मतलब के कोई काम नहीं करिए। करम पर्व में एकदम एक सीधा सा छोटा सा भी नहीं हो। अखन जे गर्भवती बहन गिला करम कर दो ओकर हमने की कहिए जवाब माई कहिए ना। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई हमने कर कुंवारी बहन के माए कहता है तो मोजा है लाद जूता खाते कि ना खाते ना कि कुंवारी बहन के तो माए कहा काली रे मोजारा मोजरी के मुड़ी का तोरा मोरा दे सही बात लगे कि ना। लेकिन ये पर्व टाइम हमने नीचे अपन कुंवारी बहन के माए कहिया कहिया ना जवाब माए। तो भाई जवाब मैं कह कह देने कि हमारे बाप दादा परदादा कि अपनी बोका लग लगे कि कुंवारी बहन के माए कही दल एक माने की लगे एक माने सीधा सा लगे। अच्छा एक बात बताओ, एक स्त्री खातिर सबसे बड़ा काम की लगे चूल्हा फूकना रोटी बेलना ढीला बिछना चुगली करना एक स्त्री खातिर सबसे बड़का काम लगा है माय बनना। यदि माय नहीं बनता है तो हमें आपको यहाँ रहता है दुनिया का आगू बढ़ता है। यानी एक स्त्री के सबसे बड़का काम लगा है माय बनना। तो ये पर्व तक माने हटाए लगे कि जन बहिंटी आज जवाक माय बना रहो सही बहिंटी ने अपने को जीवक माय बन दो यानी जवाक माय से जीवक माय तक के सफर का धर्म नौ को दस को नियम के पालन कर ली ना। बताओ एक को बताओ करम पर्व जो कर ला तो कि मांस मछली खाएंगे दूध दही खाएंगे तपल तितल न खाएंगे। तोहनी करम पर्व कर ला नियम पालन करके पहला की चूल नहीं चिरतो सही बात लगे ना। तो भाई चूल कहना चिर तो चूल कहना चिर तो ना जब यहाँ चूलिया चिर तो पर जवाटा नीचे ऐसे ऐसे भाई तुमने बुझाए जी तो कहते ना कि यदि जवाक माय यहाँ मोड़िया में चूलिया चिर तो पर जो जवा हो सीटा गुड़गुझाए जी तो ये तो भाई लो जवाक माय एक नियम। अब जीवेक माय संग की रहता है ना जीवेक माय जखन बच्चा के माय बनता है वो सात दिन आठ दिन एक एक लुगा पीन के एक एक खटिया में बिना नहाए लड़ता दिन तो उल्टा ले चुलिया तब चिर तो है ट्रेनिंग जे तोरा आज मिल लो तब भी काम है तो जब तो एगो जीव के माय बन ले आज जावा के माय कहले वो जीव के माय जावा में जितना अक्षर है उतना जीव में भी अक्षर है। यानी आज तुरा ट्रेनिंग दे दिलो कि नोनी आज तुरा ही खाती ट्रेनिंग दे लियो कि जब जीव के माय बन गए तखन तुरा चूल ना छिरे कतना वह सात दिन जे सात दिन एक जावा नौ दिन एक जावा आर की नियम है न बांधे न दिन जाए के वो पिछवाड़ी है के नहीं नहीं हब्बू नहा नकरा कहल जाए। दादी साहब ये नियम तो हिले है ना कि बांधे न दिन जाए के पिछवाड़ी करी के नहीं नहा तो एक माने की लगे नहीं एक माने लगे जब पिछवाड़ी करी के नहा तो पर जावा था पिछू बटे गिरिया तो उल्टी पलटी रहे सही बात हो। ये तो भाई लोग जवाब माए यानी एक निक नियम आप जो माए बन तो दीदी बड़ो है कि ओकर की रहता है ना बड़ा बड़ा डॉक्टर यहाँ बैठी है बड़ा बड़ा विद्वान डॉक्टर यदि कोई माए जब पेट में ओकर बच्चा रहतो और तब नदी में जाके इसने पिछवाड़ी करके नहे तो ओकर बच्चा दानी दाएं बाएं नीचे घसक यानी तुम्हारे वो नियम में एगो छोटा सा नियम में बड़का बड़का विधि विधान फेल भ गए। आज तोरा नहीं नहाए को पिछवाड़ी कि तोर जवान नष्ट भई तो और बड़ा हाल बात तोरा पिछवाड़ी नहीं नहाए को कि तोर पेट में जो जीव हो से नष्ट भ गए। तो सोची के देख हमने पर्व के कितना मतलब हो कितना सोच के पर्व बना रहो आरे वो है कैसे नियम बहुत है लेकिन समय ज्यादा नहीं लगो का कि आरोप बहुत तरह विस्थापन के मुद्दा में बात करे कर आरे वो नियम है कि थीपो तातव पड़ो नहीं कहते ये खातिर नहीं कहते कि ओकर जवा तक जेल दे सही बात लगे आप इधर तो लगो कि भुचकी भुचकी गिला खातिर कि जवा जेल ले तो आप इधर के माए बांधो तब की हटो ना सभी पढ़ा लिखा लगा हिपल तातल पड़ो में कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड यानी शरीर के खातिर हानिकारक
यानी अगर मैया में खाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का असर कितना करतो, विधवा में करतो। तो सोच के देखो केवल कर्म परम नहीं लगो, एटा में विज्ञान के भी रहस्य हो, प्रकृति के भी रहस्य हो, दुनिया का सारा रहस्य छुपल हो, सेटा हमने कर्म करो। मुझे पाला कर्मती सब कर्म भारत के माने। आप थोड़ा सा बात हम करेंगे कि आज जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आज अभी हमारे पहले सुशील नाथ को बता रहे थे और ये सोचने का विषय है, बकायदा मीडिया कर्मी लोग भी यहाँ उपस्थित है कि किस प्रकार झारखंड के साथ भेदभाव किया जाता है। सही बात है, महाराष्ट्र एक कर्मती साहब दुनिया के आठवां अजूबा लगो कि जहां दो दो बेटी छह महिला वाला चुप न रहता, चुप रहा सुना। महाराष्ट्र के नागपुर फेमस है संतरा खाते, अगर संतरा झारखंड में ट्रांसपोर्ट करता है तो महाराष्ट्र में जिस दर में संतरा मिलता है क्या झारखंड में उसी दर में मिलेगा, उसी रेट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। नारियल कहां मिलता है? केरल में, तमिलनाडु में। केरल और तमिलनाडु में नारियल का जो रेट है क्या झारखंड में उसी रेट से मिलेगा? नहीं मिलेगा। कश्मीर में मिलता है सेब, जिस रेट से कश्मीर में मिलता है क्या झारखंड में मिलेगा? तो झारखंड का कोयला सबके बापे अगला गए की, झारखंड का कोयला सबके बापे अगला गए कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक ही रेट में मिलेगा? पढ़े लिखे लोग, ये झारखंड का कोयला पूरे इंडिया में एक ही रेट में क्यों मिलेगा, कहे मिलेगा? तो इस पर सवाल करने वाला लीडर हम लोगों को 2024 में चाहिए, जो सवाल कर सकता है, और सवाल ही नहीं जो पूरा सदन में अकेले बवाल कर सकता है। हम बचा लेते हैं आज मिर्जा की ऐतिहासिक जमीन से, ये बचा लेते हैं। झारखंड में 14 संसद होता है, अरे 14 ने 23 साल में किया नहीं किया बजनोट मेटा। आप दो गो संसद हम लोग को जिताइए, अकेले अगर दिल्ली को हिला के नहीं रखे तो दोबारा आपके साथ पूरा दिल्ली को खामोश करेंगे अपने सवालों से, देश के प्रधानमंत्री को खामोश करेंगे अपने तीखे सवालों से, उनके पास भी उत्तर नहीं होगा हमारे सवालों। इतना अन्याय जितना पूरे ब्रह्मांड में किसी के साथ ना हुआ है ना भविष्य में होगा। अंग्रेजों ने इतना जुल्म नहीं किया होगा, यूनानी मुगलों ने इतना जुल्म नहीं किया होगा, अरे डच पुर्तगाली ने अपना जुल्म नहीं किया है जितना आजाद भारत में दिल्ली ने झारखंड के साथ जुल्म किया। दिल्ली यानी केंद्र सरकार, इतना जुल्म। दीदी के लिए वीडियो देखा ला तुम और लग गए, अच्छा उप मुखिया लगा ना और लगे तो नहीं, अच्छा महिला मोर्चा लगा, ठीक है तोहनी के राज हो भाषा में ना लेता ले तोहनी से स्पेशल कर ले 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 मेरा रूप मैंने महिला के दीदी सब के अपमान नहीं करेगी लगे, आप फोटो खींचे को ले ले ले। अरे कहां टोपी याद करे यार, यार रूप अगर महिला समय 24 में देखे थे हमने एक संग डिस्टर्ब कर ले पीएन सिंह के डिस्टर्ब करते तब ना। तो आज यदि दिल्ली से हमारा पहला सवाल होगा, नूनी झुके रही है दूध बात कही है नूनी, अगर हमने बांचल लगो तो ससुर खा रहे वो हम लोग का यही पेंडिंग है। तो आज सबसे पहला सवाल दिल्ली से हमारा यही रहेगा कि 40% हम लोग खनी देते हैं, हमारा तुम्हारे 40% खनी संपदा दिए जाए तो तुम्हें एकटाओ बैठक हमारे जन्ने की जन्ने ने आज के कोई चीज आज के में तो 23 বছর 20 বছর हमारे झारखंड है एकटाओ मीटिंग तुम्हें देखाओ। आज मीटिंग होता है आपदा में, मीटिंग होता है अर्थव्यवस्था में, मीटिंग होता है जीएसटी में, मीटिंग होता है इंडिया पाकिस्तान में, झारखंड में मीटिंग एक दिन का टाइम नहीं हुआ। कैबिनेट की बैठक एक दिन के लिए
प्रखंड के लिए क्यों नहीं बुलाई गई है, इसका उत्तर कौन देगा? उत्तर मांगने वाला चाहिए, और यदि उत्तर मांगने वाला चाहिए तो कलेजा वाला चाहिए। कलेजी तो मुर्गी का होता है, यह तो आसान काम नहीं ना। जो मोदी सुनने गोल्फो कर दे हिसाब मांग दे वहां देव जोड़ने कोलेजा धारी चाहिए, कोलेजी धारी ना आएंगे। पीएन सिंह हिसाब मांगेंगे, सीपी चौधरी हिसाब मांगेंगे, जयंत सिन्हा हिसाब मांगेंगे। इन लोग एनडीए का गुलाम है, इन लोग का दम हिसाब मांगने का। हिसाब अगर मंगवाना है तो जो गुलाम ना हो उसको चुनाव जिता कर भेजाइए जो हिसाब मांग सके। आज इतना इतना लाखों लाख एकड़, हजारों हजार एकड़ जमीन हम लोग का एक एक योजना में, एक एक परियोजना में गया है, लेकिन आज तक कभी कोई चर्चा नहीं। चाय पे चर्चा ठीक है नुनी, सुन ठीक है नुनी, कहानी का इतना छोटे छोटे किधर सबके प्रेम और दुआ है तो हमने 24 में जरूर बदलाव करवाए दादा दीदी ना। तो एक आग्रह अच्छे मदपान टा छाने दा, हमें आग्रह कर मदपान टा तुम्हें छाड़ते हो, हमें आग्रह कर भालो मानुष, तुम्हें भालो मानुष। हाँ भालो मानुष ए बाबू सब बैठ रहे, टोनी के लड़ैया लग रहे, पबजी खेल रहा ना, सब्जी बीज में बचता बैठ बैठ यहाँ पगला सब पबजी खेला जाए ना लते बिचू बेटा। तो आज हमारे पास लीडर नहीं होने देगा, हमारे नेतृत्व करता नाय से जुड़ने हमारे संगे तो अन्याय, और इन अन्याय से लड़ने के लिए आज हमें एमपी और एमएलए में बदलाव करना होगा। आज देखिए बहुत जगह लोग बोलते हैं कि प्रशासन कंट्रोल में नहीं है, प्रशासन के लोग मनमानी करते हैं। आज हम लोग फिर वचन देंगे, आप शासन शासन यानी पॉलिटिक्स, आप शासन को बदलिए, प्रशासन को कंट्रोल करने का जिम्मा हमारा होगा। आप प्रशासन को कहें कंट्रोल कीजिएगा, आप पब्लिक है, पब्लिक का संबंध है पॉलिटिक्स से, आप पॉलिटिक्स में चेंज कीजिए, जो ब्यूरोक्रेट से वहां चेंज करने का जिम्मा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और इतना भरोसा आप लोग रखिए, इतना भरोसा रखिए कि हम लोग प्रधानमंत्री की तरह जुमला सुनाने नहीं आए हैं। आज हम लोग एक वार्ड सदस्य नहीं है, किसी कंपनी या किसी उच्च पदाधिकारी का चौखट में कदम रखते हैं तो उसका मांस धार से पसीना आता है कि क्या करेगा इन लोगों। बहुत सारा जीएम लोग हमको बोला कि भाई बातें करना है तो अकेले मिलिए ना, जानते हैं अकेले यानी सेटिंग। जीएम लोग कंपनी का जीएम बोला जयराम जी आपसे अकेले में बात करना है, हम बोले बिल्कुल, उसके लिए हमसे अकेले मिलना होगा। बोले कहाँ मिलेंगे, हम बोले एक ही जगह हम अकेले मिलते हैं, 12 बजे रात शमशान में मिलते हैं। आज हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन आज चाहे कोई पुलिस पदाधिकारी रहे या प्रशासनिक अधिकारी रहे या प्रबंधन का कोई एचआर रहे, मैनेजिंग डिपार्टमेंट रहे, हेड रहे या जीएम रहे, वो नरमी से पेश आता है क्योंकि जानता है कि लड़का लोग बहुत तेज तरह है, ये लोग ईमानदार है, ये लोग पिकने वाला नहीं है, ये लोग टिकने वाला है, ये लोग झुकने वाला नहीं है, ये लोग अड़ने वाला है, ये लोग भागने वाला नहीं है, ये लोग फिरने वाला है। रांची में राजधानी में चर्चा होता है, आईएएस आईपीएस के बीच चर्चा होता है कि सुनिए लड़का लोग के पास कुछ भी नहीं है, सो ये लोग बात क्या करता है सुनते हैं, एक वीडियो बोलता है, वीडियो को बोलता है चला वीडियो, कुछ नहीं है लड़का लोग का, और वीडियो को भरा मंच में बोलता है चोरा बोलता है सर। तो इन लोग अगर एगो एमपी एमएलए गलती से बढ़ गया तो क्या करेगा सोचिए, राजधानी के बात सुना रहे आपको, ये आपको राजधानी का चर्चा सुना रहे हैं कि लड़का लोग के पास कुछ नहीं है, एगो मुखिया नहीं है, तो बोलता है ए वीडियो ए सीओ। अगर इन लोग एगो भी सीख निकालता है तो सोचिए क्या करेगा।
तो यह चर्चा है राजधानी में, यह चर्चा है हुक्मरान की गलियों में। बस एक बार आपसे निवेदन करेंगे, आप लोग अगर ताकत देते हैं तो वचन देते हैं जो भी आज बड़े सामने लोग हैं उनको हिम्मत देने का काम करेंगे। आज हम बार बार उदाहरण में महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं, पेपर वहां पड़ा होगा आपने, वहां एक टेम्पू ड्राइवर एक ऑटो ड्राइवर छो एसपी संगे चौके चौके दिए बोलछी एसपी तुम्हारे भाई बताए तुम्हें मराठी जानी जदि तुम्हें मराठी नहीं जानी एखने की कर एक मामूली टेम्पो ड्राइवर एसपी जो जिला का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है पुलिस का और क्या बोलता है डू यू नो मराठी इफ यू डोंट मराठी रन अवे फ्रॉम महाराष्ट्र हरियाणा से। और हमारे यहां हमारे एखने यहां दमाद बढ़िया से निजो काज करछे छेला पिला के काज करे छे ऐ साला साली सवाई के लिए ऐसे हमारे यहाँ के प्रशासन के जो अधिकारी हैं पता चलेगा फलना कोयला का खदान जो मिला है वो फलना पुलिस अधिकारी फलना बड़ा अधिकारी का साला लगता है। और यही लोग जब महाराज आता है थर 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 कांपता है सब भाषा में पेंट में एक नंबर करता है। झारखंड में व्यवस्था कहे नहीं कहे यहाँ का लीडर सही नहीं है, यहाँ का लीडरशिप सही नहीं है। जिस दिन यहाँ का लीडरशिप सही होगा यहाँ भी जितने भी पदाधिकारी हैं उनको जनता से नौकर की तरह बात करना होगा। आज हमरा एक भूल कर छे कि हमरा वादे संगे हाथ जोड़े नहीं दौड़ाया छे के मालिक तुमरा मालिक ए बोला बाबू मालिक वीडियो मालिक सीओ मालिक घंटा वाला मालिक नहीं हमरा मालिक हमरा जमींदाता हमरा रैयत हमरा मालिक हम मालिक है। इस बात को आज हर एक झारखंडी को समझना होगा। अरे हम नहीं कहते हैं यदि कोई बड़े पुलिस के अधिकारी आए हैं तो बगल में देखिए उनके कंधा में लिखा होगा जेपीएस लिखा है ना झारखंड पुलिस सर्विस, इसे ही मतलब होता है ना। हिंदी में लिखा हुआ तो झारखंड झापू से झारखंड पुलिस सेवा, सेवा का मतलब क्या होता है सेवा कौन करता है सेवक करता है। सेवक मतलब पेमेंट लेके करने वाला को सेवक भी नहीं बोलेंगे, जो बिना पेमेंट का सेवा करे उसको सेवक बोलेंगे, पेमेंट लेके सेवा करने वाला को खुला मंच में नौकर बोलेंगे। यानी वो आईपीएस लिखा है चाहे आईएएस लिखा है वो पब्लिक सर्वेंट है। अब पब्लिक को डिसाइड करना है उसको माथा में झुका यहां चढ़ा के रखना है या वो हमारे सामने झुक के रहे। एक बधाई दची माया मसीरा का गिरा हवा जो नहीं दची की एक तुम्हारे पेट अच्छे हमारा नहीं तो ये समय बदलाव का है। आज आप बताइए इतने दिनों से आंदोलन हुआ होगा 22-23 सालों में क्या किसी लीडर ने ब्यूरोक्रेट्स को लेकर इस प्रकार मुखर होकर बोला है तो बताइए किसी लीडर का नाम बताइए झारखंड में 23 सालों में झारखंड में कि किसी लीडर ने 20,000-40,000 का की भीड़ में बीडीओ सीओ को लता रहा होगा आईएएस आईपीएस को लता रहा होगा एक लीडर का नाम गिना दीजिए। है तो गिनाइए दिखाइए वीडियो हमको क्योंकि ये समय बदलाव का है, ये समय आम इंसान के जागने का है, ये समय ये एहसास कराना होगा कि भारत राजा का नहीं जनता का देश है। फॉर द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता को जनता के द्वारा जनता के लिए इस बात का एहसास इन हुक्मरान को कराना होगा। इसलिए सोई हुई जनता हम तो कहेंगे केवल झारखंड की जनता सोई है, जाइए तेलंगाना अलग कोनो गलत बोल रहे जाइए किसी स्टेट में जाइए वहां की जनता अलग है यहां की जनता मस्त है। इसलिए आज आपको अपनी वोट की ताकत पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंस ये आपको समझ
और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस प्रकार आज यहां 200 गांव उजाड़े गए, आज एमपीएल में दीदी बोल रहा है एमपीएल में चाहे सिंदरी में या किसी कोयला की खदान में आप चले जाए, हर जगह झारखंड को उजाड़ा गया। आज इसी पंचायत की यदि हम बात करें तो इसी भी है और यहाँ कोल की कंपनियां है दादा बोल रहे थे, लेकिन आज आप किसी स्टेट में चले जाए, ए नुनेरा थको तुम्हारे संगे विशेष देखा हो गए थको ना तुम्हारा वो सुन भूख लग चेगी खबर खाए ना सीएल में एग्जाम को क्रैक किए माइनिंग सरदार के पोस्ट में यही गोविंदपुर का एक लड़का है जो एनसीएल धन्यवाद दादा गोल लक्ष्य एनसीएल में एग्जाम को क्रैक किया, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एनसीएल का मतलब क्या है। जैसे हमारे यहाँ क्या है ईसीएल है कि सीसीएल है, यहाँ बीसीसीएल है, तो बीसीसीएल का मतलब होता है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, यानी कोयला कोड़ने की एक यूनिट। बीसीसीएल एक यूनिट है जो कोयला कोड़ती है, ठीक उसी प्रकार एनसीएल भी एक यूनिट है जो कोयला कोड़ती है। एनसीएल में हमारे एक साथी कार्यरत है, उन्होंने रिपोर्ट भेजा है कि यदि यहाँ किसी क्षेत्र में कोयला मिलता है तो पहले गांव में वो टीम आता है, वो दल आके गांव में वो सर्वे करता है कि किसका किसका जमीन कोयला में जाने वाला है, और सर्वे करके उसको बगल में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर में जमीन लेता है, जमीन में उसको घर बना के देता है। क्या बताइए झारखंड में आप कई वो उदाहरण सुने हैं जहां घर बना के दिया है। यही कोयला कंपनी, एक कोयला कंपनी जखन बाहर एयरपोर्ट से काम करे तखन वहां सुविधा दे, एक कोयला कंपनी जे मतन बीसीसीएल से मतन एनसीएल डब्ल्यूसीएल एमसीएल जखन एक कंपनी बाहर एयरपोर्ट से काज करे भालो भालो काज करे, लेकिन जैसे यही कंपनी जब झारखंड में आती है गलत तरीके से काम करती है। बहुत अच्छी तरह क्यों आखिर कारण क्या है चलो ए दादूरा क्या कारण है कि हम लोग के साथ ये लोग गलत करता है न हमारा लीडर नहीं है, हमारा लीडर नहीं है। अगर हमारा लीडर ढंग का आएगा तो कंपनी का जो चेयर है वो बाप बाप करेगा, क्योंकि जितना बड़ा अधिकारी होता है छोटा बड़ा अधिकारी ये लोग जनता को डराया कि मत जाओ 353 हो जाएगा, मत जाओ केस हो जाएगा, मत जाओ एफआईआर हो जाएगा। लीडर ऐसा चुनिए जो जीएम को डराएगा कि गलत मत करो, कि यदि रैयत को इंसाफ नहीं मिलता है तो आपके साथ भी वही हश्र होगा जो तकलीफ रैयत को हुआ है। अब जनता को डराने वाला लीडर नहीं, तो इसलिए 2024 जो हम लोग बार बार हमारा जो गल्प करे हमारा जो तुम्हारे सुधा छे कि 2024 वोटर टाइम, तो इसका मतलब यही है कि हमें एक अच्छे लीडर को चुनना है। इसलिए चुनना है कि यदि आज हम लीडर को नहीं चुनते मायरा मासीरा काकीरा तो ये लोग हमारे खेत खलिहान को दिल्ली में बेच देंगे, ये लोग हमारे बाग बगीचे को दिल्ली में बेच देंगे, ये हमारे रोजी रोजगार को यूपी बिहार बंगाल वालों को बेच देंगे। बताइए उसके बाद हम कहां जाएंगे? ए नुनी सुखे था एक बात बताइए, अभी ढेर सारा पर्व त्योहार आएगा, आप लोग अपने पिताजी के यहाँ चले जाइए, आपके पिताजी क्या देंगे पता है? खाने के लिए भर भर के दोना देंगे, रहने के लिए कोना नहीं देंगे, दोना दीवे। ए दादी तुम्हें तुम्हारे बापेर बाड़ी तुम्हारे दोना दीवे किंतु रोहबा जन्ने एकटा कोना नहीं दीवे। तो बताइए हमारा इतना इतना गांव, 200 गांव, 250 गांव, कहीं 300 गांव डूब गया है। इसलिए आज जितना भी हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, जो तो हमारे सुनगे ना इंसाफी, आज के
उन सभी का 2024 में शुद्ध समय राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक इंतकाम लेने का समय है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। गांठ है ना, गांठ तुम्हारा बोलिए ना, गांठ ए युवा गांठ। हाँ तो गांठ बांध के रख लीजिए कि आज 2024 जो आएगा वो बदलाव का साल होगा। अभी दादा एक चिट्ठी दी है दही बाड़ी कोल नर्सरी जहाँ 140 ए मुनीरा सुखे था 140 व्यक्ति काम करते हैं, 20 लोग यहाँ के लोग। हमारा भविष्य कहाँ जाएगा, हमारे लोग कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। 25,000 पेमेंट है अभी, 25,000 पेमेंट। हमारे लोग धनबाद जाते हैं 200 रुपया दिन का कमाने के लिए, और आपके बगल में दही बाड़ी परियोजना में 25,000 का पेमेंट, और बाहरी लोग नौकरी कर रहा है। इसलिए आज धरती में आपको फिर से गुलाम करना होगा। गुलाम इसलिए करना होगा कि हक अधिकार समानता की बात है, ये रोजगार की बात है, ये नियोजन की बात है, और इसके लिए हमें मांगने से नहीं मिले। अच्छा एक बात आप देखे हैं कि जो छोटा बच्चा होता है ना, एज ए छोटा छेला, उसको भी अभी बहुत सारा मेला आएगा, पर्व आएगा, मेला देखने जाएगा छोटा छोटा बच्चा लोग, जोहार। यदि उसको एक गुब्बारा भी खरीदना हो ना तो रोना पड़ता है सड़क में कि अमा के बैलून किने दे, अमा के बैलून नहीं है, रोना पड़ता है कि नहीं। एक छोटा बच्चा जबकि मैया उसी की है, मैया उसी की है ना, यानी खुद की माँ के सामने निजे मायर संगे वह छिला टके रुदन करवार दरकार छे, तबे जाके वाके बेलून किने निये दिबे एक माये। माँ के की बोले तो माँ बोली ना, यानी जो माँ है बच्चा रोएगा, बच्चा चिल्लाएगा, रोड में छटपटाएगा, तब जाके माया को बैलून खरीद के देगी। यहाँ नियोजन है, यहाँ अधिकार का बात है, यहाँ रोजी रोजगार का बात है। बिना लड़े बिना चिल्लाए